हाय एवरीवन, दिस इज रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY नाइट सीरम, जो कि हर स्किन टाइप वाले लोग इजीली यूज कर सकते हैं। चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है या आपकी ड्राई स्किन है, सभी स्किन टाइप्स वाले ये सीरम को यूज कर सकते हैं। और इसका बेस्ट रिजल्ट यही आता है कि इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई एंड ब्राइटन एंड लाइटन हो जाएगी। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब सीधा चलते हैं इसे बनाना किस तरह है। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है ये है बादाम का तेल। इसे आप सेसमी ऑयल भी इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है। मेरे पास ये स्वीट एलमंड ऑयल है और जिनके पास ये है वो लोग यही प्रेफर करें, बिकॉज ये जो स्वीट एलमंड ऑयल है ये 100% प्योर होता है और इसके अंदर जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो होंगे विटामिन ए के, विटामिन ई के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के एंड जिंक के। तो इसलिए हम इस चीज को स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज को स्किप करना चाहते हो तो आप इसकी जगह पे सेसमी ऑयल यूज कर सकते हो और कुछ नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं रोज वाटर। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, आप होममेड रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। हमें रोज वाटर की बहुत ज्यादा नीड है, बिकॉज रोज वाटर जो है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब थर्ड आता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, बट आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो नेचुरली प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है, बिकॉज उसे ब्लेंड करने में जो टाइम लगता है उस चीज को आप थोड़ा ये स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में टाइम है तो आपको पहले उस चीज को ब्लेंड करके एक प्रॉपर एलोवेरा जेल बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस सीरम में उसे यूज कर सकते हो। तो बस यही रहेगा कि आप मार्केट वाली कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई का कैप्सूल आप जरूर इसमें ऐड कीजिए। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप विटामिन ई का ऑयल ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप एलमंड ऑयल या तिल का जो तेल आप यूज करने वाले हो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। विटामिन ई का हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज विटामिन ई जो है ये आपकी जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है उसे क्योर करने में हेल्प करेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उसे ये बहुत अच्छे से डील करता है। तो हम इस चीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अपनी नाइट सीरम में। और जो लास्ट चीज है वो है ये है लेमन एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। इसका रीजन ये है बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी अवेलेबल होता है और विटामिन सी आपको ऑरेंज में भी मिल जाएगा एंड लेमन में भी मिल जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी एक एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो और ये जो होता है यही है वो प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा लाइटन, ब्राइटन एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करने वाला है। और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो लोग इसका यूज कम करेंगे, वो इसकी हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे। इसके साथ वो लोग एक और चीज ऐड करेंगे और वो है ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए ये आपकी एक्ने को बहुत इजिली ट्रीट करने में हेल्प करेगा। टी ट्री एसेंशियल ऑयल ओनली फॉर एक्ने प्रोन स्किन। अब हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं। तो क्वांटिटी के लिए अगर हम एलमंड ऑयल की बात करें तो एलमंड ऑयल जो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग हैं वो इसका 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे, बिकॉज हम उसके बाद विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड करने वाले हैं। एंड जिनकी ऑयली स्किन है वो इसका जस्ट 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और जिनकी ड्राई स्किन है वो इसकी 1.5 to 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि ये उनकी स्किन को मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से कर देगा। तो अब मैं आपको ये, मेरी जैसे कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं आपको ये 1 टीस्पून इसमें ऐड करके दिखाती हूँ। अब देखिए, जैसे ये मैंने 1 टीस्पून एलमंड ऑयल ले लिया इस एम्प्टी बोल में। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे रोज वाटर। तो रोज वाटर तो सभी स्किन टाइप्स वाले ऐड करने ही वाले हैं, बट इसकी कंसिस्टेंसी ये होगी जो लोग अपने सीरम को रनी फॉर्म में चाहते हैं, जैसे आपके मार्केट वाले सीरम्स होते हैं तो उस तरह की थोड़ी रनी फॉर्म चाहते हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज करोगे। और जो लोग इसे थोड़ा सा
क्रीम फॉर्म में चाहते हैं वो लोग इसकी कंसिस्टेंसी को उतनी ही रखेंगे जितनी मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसकी यूज करने वाली हूँ 4 to 5 टीस्पून, आप भी इतनी ही यूज कर सकते हो अगर आप क्रीम फॉर्म में सीरम अपना चाहते हो। ये मैंने इसके 5 टीस्पून रोज वाटर के ऐड कर दिए और अभी इस टाइम मेरे बोल के अंदर एलमंड ऑयल एंड रोज वाटर ही है। अब नेक्स्ट चीज आती है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हम उतनी ही ऐड करेंगे जितनी हमें जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत ज्यादा रनी फॉर्म में हो तो आप इसका जस्ट 1/2 टीस्पून ऐड करना, और अगर आप लोग चाहते हो कि हल्का सा क्रीम फॉर्म में आ जाए आपका, आपको बिल्कुल रनी फॉर्म में सीरम नहीं चाहिए, तो आप इसका 2 to 3 टीस्पून एलोवेरा जेल का ऐड कर सकती हूँ। तो मैं अभी आपको 2 टीस्पून एलोवेरा जेल इसमें ऐड करके दिखाती हूँ। 1। अब इस मिक्सचर को अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें, बिकॉज एलोवेरा जेल को मिक्स करने में आपको थोड़ी देर लगेगी। तो ये देखिए, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि मार्केट वाले सीरम्स होते हैं, ये उसी कंसिस्टेंसी में है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी हो तो आप एलोवेरा जेल इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना। नेक्स्ट जन आती है विटामिन ई के इस कैप्सूल की। अगर आप लोगों की नॉर्मल स्किन है तो आप ये कैप्सूल एक ही डालोगे, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन वाले। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है आप इसके 2 कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो भी आप एक ही कैप्सूल ऐड करोगे, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस चीज को टोटली स्किप कर सकते हो। आपको कोई नीड नहीं है इस विटामिन ई के कैप्सूल को ऐड करने की। सो इसे ऐड करने के लिए जस्ट हल्का सा पोक कीजिए, जैसे स्लाइट सा कट। फिर से अच्छे से मिक्स कर लो इसके अंदर। अब जो लास्ट चीज आती है वो है ये है लेमन एसेंशियल ऑयल। जिनकी एक्ने प्रॉन स्किन है वो लोग इसकी क्वांटिटी को हाफ कर सकते हैं जितनी मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ इसकी 5 to 6 ड्रॉप्स जो आप लोग ऐड करने वाले हो, जो नॉर्मल स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले ऐड करेंगे। जो एक्ने प्रॉन स्किन वाले हैं वो इसकी 2 to 3 ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे, इससे ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। वो इसके साथ में एक और चीज ऐड करेंगे और वो है ये है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, और वो भी इसकी 2 to 3 ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अब मैं आपको लेमन ऑयल की ऐड करके दिखाती हूँ कितनी ड्रॉप्स मैंने ऐड की हैं। ये इसकी 5 ड्रॉप्स हो गई हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो मेरी एक्ने प्रॉन स्किन नहीं है, तो इसलिए मैं टीटी एसेंशियल ऑयल को टोटली स्किप करने वाली हूँ। और इस सबको अब मैं मिक्स कर रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग कोई एसेंशियल ऑयल डाल के कोई सीरम वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो अपने लिए या नाइट क्रीम प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो जो एसेंशियल ऑयल्स होती हैं वो आपकी जो ये नाइट क्रीम या जो भी आप सीरम या कुछ भी आप जो भी डीआईवाई क्रिएट कर रहे हो ना, उस चीज को स्टोर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, ये कम से कम आपका 3 to 4 मंथ्स बहुत ही फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला।
तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा अगर आप इसे डेली यूज करोगे तो। अब मैं इसे आपको एक कंटेनर में स्टोर करके दिखाती हूँ। तो इसे आप किसी भी इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, ये आपका 4 to 5 months तक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। अभी आप देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, अपने फेस को टोन कर लिया है। और अब टर्न आती है फेस सीरम अप्लाई करने की। तो फेस सीरम अप्लाई करने के लिए मैं आपको यही होममेड सीरम अप्लाई करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप देखना मेरे फेस पर कितना प्यारा सा ग्लो आएगा। आप चाहे तो इसे अपने लिप्स पे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर हमने कुछ भी ऐसा हार्मफुल चीज नहीं ऐड की हुई। इसके अंदर सब कुछ वही है जो आपके लिप्स को हाइड्रेट करेंगे, आपके लिप्स को पिंक बनाने में हेल्प करेंगे, और जिनके डार्क लिप्स है उनके लिए लेमन का ऑयल जो है वो उनके लिप्स को लाइटन करने में भी हेल्प करेगा। ये बहुत ही इजीली मेरी स्किन के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और अब आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा सा ग्लो आया हुआ है मेरे फेस के ऊपर। और अब टर्न आती है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की। तो मैं यहाँ ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ। आप चाहे तो कोई भी और मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, जो भी आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग पसंद आए। अब मैं आपको दिखाऊंगी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद मेरा फेस कितना ज्यादा ग्लो करेगा। अब मैंने अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लिया और अब आप देख सकते हो कितना फर्क लग रहा है मेरे फेस के अंदर, कितना ज्यादा ग्लोई मेरा फेस हो गया है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद। एंड यस, वन मोर थिंग, जो लोग सोने से पहले ये सोच रहे हैं कि हम नाइट क्रीम लगाएंगे उसके बाद साथ ही में सो जाएंगे, उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस तरह से आप बिल्कुल भी मत करना, आपकी स्किन को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। बिकॉज मैंने भी ऐसे एक दो बार करके देखा है, उससे उल्टा स्किन ही आपकी खराब होती है। बिकॉज आपकी स्किन के ऊपर जितना भी मॉइस्चराइजर या कुछ भी आपने लगाया होगा वो आपके पिल्लो के ऊपर लग जाएगा, ना कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो अपनी स्किन को कम से कम 20 मिनट्स to 30 मिनट्स का टाइम दीजिए, जिससे आपकी स्किन अच्छे से इन चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और आपके पिल्लो के ऊपर ही बिल्कुल भी ना लगे। अब जैसे कि आप जानते हो ये सीरम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सीरम बना है, इसके अंदर इतना कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इसके बेनिफिट्स मिले हैं या नहीं मिले। एंड यस, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग भी, जिन सबको ये वीडियो पसंद आई है वो लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें, इसे शेयर कर लें, और मुझे प्लीज 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 नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये सीरम कैसा लगा।